हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड दोस्तों, आप जानते ही हैं मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारे इस मैनेजमेंट चैनल पे आप देखते हैं कि अलग अलग सॉल्यूशंस हैं मार्केटिंग, OB, HR, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, और जैसा हमारा फीडबैक दोस्तों सब्सक्राइबर्स का आता है उसके अकॉर्डिंगली हम कंटेंट बनाते रहते हैं। आज का कंटेंट हमने मार्केटिंग के ऊपर बनाया क्योंकि काफ़ी फीडबैक आ रहा था कि एग्जाम्स चल रहे हैं, मार्केटिंग को पूरा करिए। मार्केटिंग में ऑलरेडी काफ़ी कुछ कंटेंट है, सिर्फ लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हैं। पिछली वीडियो अगर आपने ना देखी तो उसको देख लीजिएगा, बिकॉज उसमें हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था जो कि था डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू, वीडियो नंबर 37। और उसमें मैंने आपको 5 तरीके बताए थे कि कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कम्युनिकेट कैसे करें उसके। आप उसमें पहला तरीका था एडवर्टाइजिंग, हमने डिटेल में पढ़ लिया था, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, ये 3 हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। आज की वीडियो पूरे हम सेल्स प्रमोशन पर रखेंगे क्योंकि अपने आप में बड़ा वास्ट टॉपिक है और इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। और इसके बाद एक 5th पार्ट बचेगा जो कि होगा डिजिटल मार्केटिंग, उसको स्पेशल अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सेल्स प्रमोशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स प्रमोशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू एंकरेज द परचेज और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। जब भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट या सर्विस की सेल बढ़ानी होती है, कोई शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देते हैं। आप निकले हैं रोड पे, एक गारमेंट्स की कंपनी है, सामने लिखा हुआ है बाय 2 गेट 1 फ्री, क्या है? सेल्स प्रमोशन है। आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है बड़ा बड़ा, उसमें लिखा है 30% ऑफ, क्या है? सेल्स प्रमोशन है। तो ये सब तरीके के जो इंसेंटिव कुछ टाइम के लिए चलाए जाते हैं वो सेल्स प्रमोशन होते हैं। आजकल का जो टाइम चल रहा है आप देखेंगे, सब ब्रांड फुटवेयर्स हो गए चाहे अपैरल्स हो गए, सब लोग एंड ऑफ सीजन सेल चलाते हैं, एक सीजन से दूसरे सीजन में शिफ्ट करते हैं। सेल्स प्रमोशन ऑफर रीजंस टू बाय नाउ। दोस्तों, ये जो बाय नाउ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खरीदारी इंसान हर टाइम करता है, लेकिन हम में से काफ़ी लोग होंगे जो हमेशा इस सीज़न सेल का वेट करते हैं। यार, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे सेल आने वाली है, ब्रांड हर सेल निकालते तब खरीद लेंगे ना, प्रोडक्ट को देख के रखते हैं, हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सेल्स प्रमोशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उस टाइम इंस्टेंट परचेज या एक लिमिटेड टाइम में परचेज करने के लिए बूस्ट किया जाता है। सेल्स प्रमोशन दोस्तों 4 तरीके की हो सकती है, और ये किस बेसिस पे है कि आप किस स्टेक होल्डर के लिए चला रहे हैं। अगर आप फाइनल बायर्स के लिए चलाते हैं जो लास्ट में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उसको कंज्यूमर प्रमोशन कहते हैं। जो मैंने एग्जांपल लिया बाय 2 गेट 1 फ्री, वो कंज्यूमर प्रमोशन है। सेकेंड होता है रिटेलर या होलसेलर के लिए, उसको बोलते हैं ट्रेड प्रमोशन। अब जो कंपनी डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंचती, बीच में हमने मार्केटिंग में डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन का, डीलर का, रिटेलर का नेटवर्क होता है, तो जो उनको बोला जाता है, उनको बोला जाता है ट्रेड पार्टनर। तो जो उनके लिए प्रमोशन होता है वो होता है ट्रेड प्रमोशन। थर्ड, बिजनेस कस्टमर्स के लिए कंपनी बिजनेस प्रमोशन चलाती है। B2B सेलिंग के लिए अलग से कॉरपोरेट के लिए रेट्स होते हैं, अलग से ऑफर्स होते हैं, अलग से डिस्काउंट होते हैं। चौथा, सेल्स फोर्स के लिए सेल्स फोर्स प्रमोशन। बिना आपकी सेल्स टीम की इन्वॉल्वमेंट के भी कभी भी इस तरीके की चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो सेल्स टीम के लिए नॉर्मली कंपनी इंसेंटिव प्रोग्राम चलाती है, बोनस प्रोग्राम चलाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्टेक होल्डर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4 तरीके के सेल्स प्रमोशन हो सकते हैं। अब रीजंस जो हैं वो क्या है, सेल्स प्रमोशन आज के टाइम में क्यों बढ़ती जा रही है? सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रीज़न है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आज के टाइम कट थ्रोट जिसको कहते हैं ना, हर कोई एक दूसरे का गला काट के आगे बढ़ने को तैयार है। हर कंपनी जो है वो चाहती है कि कॉम्पिटिशन से आगे बढ़े। देखिए, पुराने 30 साल 40 साल पुराना टाइम गया कि एक ही कंपनी का फ़ोन आ रहा है तो आप जिस मर्जी रेट पे कर लीजिए। आज के टाइम में 10 वेरिएंट हैं, 10 तो कंपनीज होंगी, बाकी लोकल वेरिएंट्स भी होंगे। तो कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आपको प्रमोशन चलानी पड़ती है। दूसरा, इंटरनल प्रेशर ऑन प्रोडक्ट मैनेजर टू इंक्रीज सेल। जो प्रोडक्ट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर्स होते हैं, जो अलग कैटेगरी मैनेजर्स होते हैं, हर कंपनी में अलग नाम से जाना जाता है, जो कैटेगरीज को हैंडल करते हैं, उन पर बड़ा प्रेशर होता है कि आप इस कैटेगरी को प्रमोट करें, इसकी सेल्स इतनी लेके आएँ। एडवर्टाइजिंग एफिशिएंसी हैज़ डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट, मीडिया क्लटर एंड लीगल कंस्ट्रेंट्स। पहले के टाइम में एड जो है वो मीडियम चलाया जाता था, एक प्रमोशन की जरूरत नहीं होती थी, एक तो कॉम्पिटिशन कम था, दूसरा एड्स के भी 2 चैनल आते थे, DD नेशनल, DD मेट्रो। तो उस पर जो है आपको ध्यान होगा, वॉशिंग पाउडर निर्मा की एड आ रही है, रिकॉल बढ़ाने के लिए आप उसको कर रहे हैं, आदमी देखेगा ही वही। आज के टाइम में सबसे पहले एड आती है, लोग चैनल बदल लेते हैं, या लोग चैनल से इवन आपके OTT प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वहाँ पे ऐड दिखती ही नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग एज अ मीडियम डिक्लाइन करता जा रहा है। कंज्यूमर्स हैव बिकम मोर डील ओरिएंटेड। आज के टाइम में एक कंज्यूमर को एक चीज़ खरीदनी है ना, आप मानिए मत, वो 4 जगह पे कंपेयर करेगा, वो 2 या 3 स्टोर्स पे भी पूछेगा, फिर उसका रेट ऑनलाइन भी देखेगा, जहाँ उसे सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदेगा। तो हर कंज्यूमर डील ओरिएंटेड आज के टाइम में बन चुका है। अब आता है दोस्तों कंज्यूमर प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन टूल यूज टू बूस्ट शॉर्ट टर्म कंज्यूमर बाइंग एंड एंगेजमेंट
टू एनहेंस लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स। जैसे कि हमने बात किया कि आपको कस्टमर को जो है बाय करने के लिए, अभी बाय करने के लिए प्रमोट करना है, 30% ऑफ, 40% ऑफ, बाय टू गेट 4, ये सारे क्या हैं, कंज्यूमर प्रमोशन के एग्जांपल है और कंपनीज इनको चलाती रहती हैं, उसको कहा जाता है दोस्तों कंज्यूमर प्रमोशन। अब हम मेजर कंज्यूमर प्रमोशन के कुछ तरीके समझेंगे। सबसे पहला दोस्तों और पुराना तरीका है सैंपल्स। इसमें ट्रायल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया जाता है, ये सबसे इफेक्टिव है लेकिन सबसे एक्सपेंसिव भी बनता है न्यू प्रोडक्ट पे। आपने, आप में से मेरे जो दोस्त मॉल में गए होंगे, मॉल में आप देखेंगे कि अलग अलग कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो आपको टेस्ट करवाने लगते हैं। मान लीजिए कंपनी ने कोई नया वेरिएंट निकाला है हॉर्लिक्स में, वो आपको टेस्ट करवाएंगे थोड़ा सा, सर इसको प्लीज़ टेस्ट करिए वो क्या है, या कोई बड़ी चीज़ है उसका छोटा सा सैंपल आपके घर पे जो है कंपनी प्रोवाइड कर देगी किसी थ्रू, वो क्या है, आप सैंपल्स दे रहे हैं ताकि कंज्यूमर उसको यूज़ करे और उसको पसंद आए तो आपकी परचेज हो। ये इफेक्टिव भी है लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है क्योंकि सैंपल बेसिकली फ्री में जाते हैं, करेक्ट। दूसरा आता है दोस्तों कूपन्स, सर्टिफिकेट दैट सेव बायर्स मनी वेन दे परचेज स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। कूपन्स कंपनियां बांटती हैं, 10% 20% ऑफ के कूपन्स या वाउचर्स दे दिए, आप जाके उनको रिडीम कर सकते हैं बाय के टाइम पे, ठीक है, तो उसको दोस्तों कहा जाता है कूपन्स। थर्ड होता है रिबेट है जिसको कैश रिफंड कहा जाता है। ये कूपन की तरह से होते हैं लेकिन प्राइस रिडक्शन परचेज के बाद होती है, उस आउटलेट पे नहीं। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं तो कई बार होता है ना किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे आपका कैशबैक आता है, तो वो कैशबैक क्या है, वो एक तरीके से यही रिबेट है, या फिर आपको जो है कहा जाता है कि आपने परचेज किया आपको इतना परसेंट जो है वो बाद में मिल जाएगा, तो परचेज के टाइम पे ना मिलके जो आपको बाद में मिल रहा है वो होता है रिबेट, और यही बेसिक डिफरेंस होता है कूपन और रिबेट में। चौथा मेथड दोस्तों होता है प्राइस पैक, जिसको सेंट ऑफ डील्स बोलते हैं, ऑफर कंज्यूमर सेविंग्स ऑफ द रेगुलर प्राइस, जो कि सेंट ऑफ मतलब वही इतने परसेंट ऑफ, 15% ऑफ, 10% ऑफ। कई बार कंपनियां ऐसे में ये भी करती हैं कि आपको ज़्यादा परचेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आपको कहेंगी एक प्रोडक्ट लोगे तो पूरा प्राइस, दो लोगे तो 10% ऑफ मिल जाएगा, तो कंज्यूमर सोचेगा यार यूज़ तो मैं करता ही रहता हूँ, दो क्यों ना ले लूं? इसको कहा जाता है प्राइस पैक। फिफ्थ मेथड होता है दोस्तों प्रीमियम, गुड ऑफर आइदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट एज एन इंसेंटिव टू बाय अ प्रोडक्ट। आप कुछ खरीदते हैं, कई बार आपको साथ में दूसरी चीज़ सस्ती मिल जाती है या फ्री मिल जाती है, उसको दोस्तों कहा जाता है प्रीमियम। 5 किलो सर्फ खरीदा, आपके जो पास में किराने वाला है उसने स्कीम चलाई हुई है, आपको 1 किलो चीनी फ्री दे रहा है, वो क्या एग्जाम्पल है, वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। POP प्रमोशन, POP होता है पॉइंट ऑफ परचेज के टाइम पे जो प्रमोशंस होते हैं, तो डिस्प्ले एंड डेमो डेट टेक प्लेस एट पॉइंट ऑफ सेल। तो मार्केटिंग का एक ये इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप POP के अलग अलग तरीके, अब इसमें डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं, पोस्टर, बैनर, डैंगलर, वॉबलर्स आप लगा सकते हैं, ताकि जब कंज्यूमर खरीद रहा है तो उसको प्रॉम्प्ट हो इस बारे में कि कोई स्कीम चल रही है और मुझे बेनिफिट मिल सकता है। और कॉन्टेस्ट, ये भी बड़ा ही पुराना और मज़ेदार तरीका होता है, गिव कंज्यूमर चांस टू विन समथिंग सच एज कैश ट्रिप और गोल्ड बाय लक और एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, न्यूज़पेपर्स इसको बहुत यूज़ करते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर कूपन निकाल देंगे और कहेंगे कंज्यूमर्स को कि कूपन आप इकट्ठा करिए एक महीने तक, बाद में आप इसको चिपका के भेजिएगा, लक्की ड्रॉ से प्राइजेस निकलेंगे। तो वो क्या है, आपने एक कॉन्टेस्ट चलाया। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा अखबार जो ओकेजनली खरीद रहा हो वो उसके चक्कर में उसको रेगुलरली खरीदने लगे, यार अच्छा कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सारे तरीके, 7 मेजर तरीके जो कि होते हैं कंज्यूमर प्रमोशन के। इसके बाद एक होता है दोस्तों इवेंट मार्केटिंग या इवेंट स्पॉन्सरशिप, क्रिएटिंग अ ब्रांड मार्केटिंग इवेंट और सर्विंग एज अ सोल और पार्टिसिपेटिंग स्पॉन्सर ऑफ इवेंट। इसके लिए और कुछ देने की बजाय मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ IPL का। हेलमेट से लेके टी शर्ट से लेके बैक फ्रंट सब जगह कोई ना कोई ब्रांड प्रमोट कर रही होती है, वो क्या करते हैं उस इवेंट की स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं। पर्टिकुलर कोई इवेंट हो रहा है, आपके वहाँ पे जो है नवरात्रि का पंडाल लगता है, आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स ने होर्डिंग्स लगा दिए, वो क्या कर रहे हैं आप उस इवेंट में स्पॉन्सरशिप लेके और प्लेस खरीदे जिसपे आप अपनी परचेज वो कर सके। फिर दोस्तों आता है ट्रेड प्रमोशन, मैंने कंज्यूमर्स को समझ लिया। आप ट्रेड में जैसे मैंने आपको बताया आपके होलसेलर आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, डीलर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, उनको आप देते हैं ताकि आपको शेल्फ स्पेस मिले और प्रमोट कर सकें आप। अब वो आपको यही कहेगा ना कि कोई एक मल्टी ब्रांड आउटलेट है MBO, वो कहेगा मेरे पास 5 ब्रांड्स आते हैं मैं आपसे एक्स्ट्रा क्यों लूँ, तो आप उसे कहेंगे यार आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब वो बेनिफिट किस किस फॉर्म में हो सकता है, एक हो सकता है कॉन्टेस्ट, आप क्वार्टरली, सीजन, एनुअल कोई कॉन्टेस्ट चला दीजिए कि जितना ये लेंगे आपको जो है एक ट्रिप मिल जाएगा अगर आप इतने की बाइंग कर रहे हैं। डिस्प्ले, बहुत सारी कंपनियां डिस्प्ले स्कीम चलाती हैं, बिकॉज अगर आपका कंज्यूमर घुस रहा है वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले है तो चांसेस हैं कि आपको वो खरीदने में ज़्यादा चांस मिलेंगे। आप अलाउंसेस देते हैं, एक परसेंटेज मार्जिन उनको दे दिया ताकि वो आगे बेनिफिट पास ऑन कर सकें। फ्री गुड्स दिए जाते हैं कई बार, सर आप रेगुलर कस्टमर हैं आप 100 डिब्बे लेंगे आपको 5 फ्री मिल जाएंगे।
पुश मनी, कई बार जो है सीधा सीधा क्रेडिट नोट या मनी या गिफ्ट के वे में उसको प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये सारे तरीके दोस्तों होते हैं ट्रेड पार्टनर्स को प्रमोट करने के लिए। बिजनेस प्रमोशन, जो कि बिजनेस लीड परचेज रिवॉर्ड कस्टमर और मोटिवेट सेल्स पे उन बिजनेस के लिए किया जा रहा है। अब B2B के लिए कंपनीज क्या करती हैं, आप ये पार्ट लीजिए, आपको हमारी कंपनी का लॉयल्टी का फॉर एग्जांपल ये बेनिफिट मिलेगा, आप पार्ट लीजिए आपको एनुअल ये चीज़ मिल जाएगी। तो पहला जो था कंज्यूमर वो B2C बाइंग के लिए था, ये वाला जो सेल बिजनेस प्रमोशन की मैं बात कर रहा हूँ ये B2B बाइंग के लिए है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो दोस्तों ये थे सारे तरीके सेल्स प्रमोशन के जो हमने जाना, बड़ा ही मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, और कस्टमर को कम्युनिकेट करने का चौथा तरीका होता है। अब हमारा एक लास्ट मीड तरीका बचा है जो है डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं या फिर हमारी मेल आई डी miru.study@gmail.com पर लिख के हमें बता सकते हैं। और दोस्तों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।